चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे इंडियन कल्चर से संबंधित कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ले रहा हूँ और विस्तार में उनके आंसर बताए जा रहे हैं। तो याद रखिए, इस तरह के हम लोग 18 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं अभी तक। आपके कुछ आपके हिस्ट्री से संबंधित थे, कुछ आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित थे और कुछ भारतीय संस्कृति से। याद रखिए, जिस तरह हम लोगों ने किरण सामान ज्ञान बुक्स कवर की हुई है, लूसेंट कवर की हुई है, इसी तरह मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको भारतीय संविधान से संबंधित, फिर भारतीय इतिहास हो, या फिर वर्ल्ड यानी कि विश्व का इतिहास हो, या फिर आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल हो, या आपका साइंस हो, सबके कम से कम हजार हजार क्वेश्चंस लगवा दूंगा। तो उसी में आप देखेंगे कि एक एक करके हम लोग टेस्ट देते रहेंगे इसी तरह के। और याद रखिए, इस तरह के टेस्ट में आपके वही क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, या तो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है या पूछे जा चुके हैं। तो अच्छे से एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक निष्कर्ष है। और वैसे भी आप जानते हैं कि कितनी भी आप बुक्स पढ़ लीजिए, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अगर वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, SSC, बैंक, रेलवे इस तरह की, या UP पुलिस दरोगा, या किसी भी स्टेट की, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप किरण सामान ज्ञान बुक्स कवर कर लीजिए या लूसेंट, और बाकी ये सभी टेस्ट देख लीजिए। इतना काफ़ी है आपके लिए मटेरियल, ठीक है? तो चलिए, 19वें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में क्या मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है? निम्नलिखित में क्या मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है? तो इसमें आप देखेंगे विमान और शिखर, एक तरह से आप कहिए कि देवन देवेंट शैली की मंदिर, जो देवेंट शैली है इसकी विशेषता है। चलिए, आपके इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको बता देते हैं, नागर शैली, देवेंट शैली और तीसरी है आपकी बेसर शैली। ये मंदिरों मंदिर बनाने की तीन प्रकार की शैली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नागर शैली की। नागर शैली की, नागर शब्द आपने देखा होगा कि नगर शब्द से बना है, और सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली हम लोग कह देते हैं। और आपने मैं आप देखेंगे यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत की एक शैली है, जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक क्षेत्रों में प्रचलित है। आपने देखा होगा कि 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों से पर्याप्त संरक्षण भी दिया है इसको, ठीक है? इसमें आप देखेंगे कि ये मंदिर में क्या होगा, ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं इस प्रकार की, यानी कि आप कहिए कि नागर शैली के। इसमें मूल आधार देखेंगे और गर्भगृह भी देखेंगे, जंगा देखेंगे यानी कि दीवार, कपो, शिखर, गल, वरूतलाकार, आमलक और कुंभ। इस तरह के याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे आपके वन डे एग्जाम में। ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिविल सर्विस में, आपके क्वेश्चंस बनते हैं आपसे, बस इसी तरह पूछ लेगा कि ये मंदिर कौन सी शैली का है, ये मंदिर कौन सी शैली का है, तो आपको याद रखना है। और अगर द्रविड़ शैली की बात करूँ तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? और अगर हम बात करें बेसर शैली की, तो आप देखेंगे नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को बेसर शैली आप लोग कह देते हैं, ठीक है? तो याद रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन, मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाया था? मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाया था? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये मंदिर सिंह विष्णु ने बनवाया था, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्या है ये हमारा क्वेश्चन, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भगवत गीता महाभारत की किस पर्व से संबंधित है? भगवत गीता महाभारत की किस पर्व से संबंधित है? तो ये आपकी भीष्म पर्व, किसे? भीष्म पर्व से। याद रखिए, आपका किरण सामान्य ज्ञान बुक्स कवर कर लीजिए आप लोग, एक बार प्लेलिस्ट सूची में जाकर जरूर देख लीजिए। आपको पढ़िए या ना पढ़िए, मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को, बस जाकर जरूर देख लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि GS के लिए आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत है या कहीं भटकने की जरूरत है।
पूरा आपका सिलेबस कवर करवा दिया गया है, किसी भी एग्जाम का हो, ठीक है। और अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब कुछ बताया गया है मंदिरों के बारे में, बड़े विस्तार से, बहुत साधारण शब्दों में, एक तरह से आप कहिए। प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन से हैं? प्राचीन भारत में पत्थर काट की बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन से हैं? तो ये देखेंगे, बारबरा की गुफाएं। क्या? बारबरा की गुफाएं सबसे पहले ये एक तरह से सिलाएं काट के, पत्थर काट के बनाई गई थी, ठीक है। तो याद रखिए, और बारबरा की गुफाओं की बात करें तो आपको ये बिहार राज्य में देखने को मिलेंगी। कहाँ? बिहार में, ठीक है। और इनका संबंध आप देखेंगे कि मौर्य काल से है। किससे? मौर्य काल से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वेदांतम सत्यनारायण किस नेत के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो इसमें आप देखेंगे कि कुचिपुड़ी। क्या? कुचिपुड़ी के। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में कुछ ज्यादा ही प्रचलित रहता है नेत, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा अगला। प्राचीन दमिश्क सीरिया में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है, यह है। क्या है? शहर है ये। आप देखेंगे कि सीरिया की राजधानी है। क्या है? सीरिया की राजधानी है दमिश्क, विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। क्वेश्चन है हमारे सामने, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? देखेंगे आप लोग विष्णु भगवान को। आप लोग देखते हैं कि विदेशों में भी कई जगह हमारे हिंदू धर्म के मंदिर पाए जाते हैं, समझ रहे हैं। कहते हैं कि थाईलैंड में अभी भी रामायण होती है, और आप देखेंगे कि वहाँ भी इस तरह की रामलीला होती है, तो वहाँ भी लोग भगवान श्री राम को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बौद्ध धर्म से संबंधित देवनी मोरा स्तूप किस प्रदेश में है? बौद्ध धर्म से संबंधित देवनी मोरा स्तूप किस प्रदेश में है, यानी कि किस राज्य में है? ये आपका गुजरात में देखने को मिलेगा। कहाँ? गुजरात में देखने को मिलेगा। इसकी खुदाई 1959 में पुरातत्वविद एस एन चौधरी ने की थी, 1959 में, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिए, बुद्ध भगवान के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से विस्तार से बात कर चुके हैं उनकी जिंदगी के बारे में। तो बायोग्राफी के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसमें सबके बारे में बताया गया है, इतिहास में पूरा आपका प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, और अभी भी आपके प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति रहे हैं अभी तक, सबके बारे में, ठीक है। जानिए उन लोगों के बारे में कि उनके क्या हाल हैं, क्या जिंदगी में उन्होंने उखाड़ा है, आज के नेताओं में, उस समय के नेताओं में क्या फर्क था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? प्रयागराज महोत्सव आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, महामस्तकाभिषेक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। गलत है ये। पुरम केरल, तीज राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसमें आप देखेंगे सही सम्मिलित है आपका एक डी, मतलब ए सी और डी, लेकिन इसमें पूछा है सही सम्मिलित नहीं है, तो आप कहेंगे बी। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। क्यों गलत है? क्योंकि जो आप महामस्तकाभिषेक की बात कर रहे हैं, एक कर्नाटक का त्यौहार है जो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, 12 वर्ष में एक बार आता है आपका, तो ये कर्नाटक का त्यौहार है, ना कि आंध्र प्रदेश, केवल कर्नाटक का, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिंदू श्रद्धालुओं के समकालीन चार धाम है? ये भी आप लोग ध्यान रखिए, कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी, द्वारका। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी, द्वारका, भारत के चार कोनों में स्थित चार धाम हैं, ठीक है। तो इन्हें भी याद रख लीजिए, कभी जाना पड़ जाए चार धाम तो हो आना, क्या करना, हो आना।
बद्रीनाथ द्वारका और जगन्नाथपुरी रामेश्वरम। एक आप देखिए गुजरात के पास द्वारका देखने को मिलेगा, बद्रीनाथ ऊपर आपका उत्तराखंड के पास, जगन्नाथपुरी उड़ीसा और रामेश्वरम आपका तमिलनाडु। समझ रहे हैं आप लोग, तो ये हाल है। चार धाम यात्रा करके आए हैं। चलिए यहीं से सोच लीजिए मन में, करने की बात नहीं, पता नहीं कब पहुंचेंगे वहां। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। एडविन लुटियंस के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे आप देखेंगे कौन था, हब हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर क्या लगाएंगे आप लोग, डी ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का जो किशनगढ़ स्कूल है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं कि चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चित्रकला के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? हैदराबाद की जो हुसैन सागर झील है ये किसने बनवाई थी? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हजरत हुसैन शाह वली ने। ठीक है, ये आपकी हुसैन सागर हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच देखने को मिलेगी और हजरत हुसैन शाह वली द्वारा बनवाई गई थी इसे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा सामने, निपुंजन माई होजी बुद्ध मंदिर या फिर आमतौर पर पीस पगोड़ा या फिर शांति स्तूप कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसके नाम भी आपको याद रखना कि पूछ लेगा कि आपका जो निपुंजन माई होजी बौद्ध मंदिर है इसे अन्य नाम से जानते हैं, तो आप कह देते हैं पीस पगोड़ा या फिर कह देते हैं आप लोग शांति स्तूप भी कह देते हैं। तो किसने बनवाया था ये? फोजी गुरु ने। किसने? फोजी गुरु ने। फोजी गुरु 1931 में महात्मा गांधी से काफी प्रभावित हुए, उन्होंने अपने जीवन अहिंसा के प्रसार में लगा दिया था। ठीक है, आप जानते हैं कि गांधी जी से बहुत लोग प्रभावित हुए। आप सोचिए कि एक लाठी वाले ने पूरा देश मतलब आजाद करवा दिया, ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए सबका योगदान बराबर का था, ऐसा नहीं कि आप कहिए भगत सिंह का योगदान नहीं था या फिर आप लोग गांधी जी को नकार दें। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इतिहास अच्छे से पढ़ते हैं तो आप किसी को नकार सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछ ले कि लिखने के लिए मेंस में, तो आप बड़े बैलेंस बनाकर लिखेंगे, मुझे लगता है सबका योगदान बताएंगे उसमें। समझ रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन है आपका, सीडी बसीर मस्जिद कहाँ है? सीडी बसीर मस्जिद आपकी अहमदाबाद में देखने को मिलेगी। कहाँ? अहमदाबाद में। इसे झूलती मीरानों की मस्जिद भी आप लोग कहते हैं, यह आपकी 1452 में तैयार हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? यह है आपका अमृतसर। आपसे क्वेश्चन इसलिए लगाने के लिए बोलते हैं कि किताब एक पढ़ी लेकिन क्वेश्चन उससे संबंधित 1000 से 2000 लगा सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप ही देखिए कि आपने किताबें 1000 पढ़ ली लेकिन आपको क्वेश्चंस बनाने नहीं आ रहे हैं कि क्वेश्चंस परीक्षाओं में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे, इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग कम से कम 5 से 6 साल 5 से 6 साल के पेपर पुराने देख लिया करिएगा कि क्वेश्चन आखिर बन कैसे रहे, पूछे कैसे जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध डी त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। आप देखेंगे ये त्योहार फसल कटाई के समय मनाया जाता है और आपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जनजाति अभी काफी त्योहार मनाती हैं और अभी भी नई परंपरागत संस्कृति को मान रहे हैं। कौन? जनजाति। कभी इनके क्षेत्र में जाके देखिए तो बड़े अच्छे से मतलब रहते हैं ये लोग, लेकिन इतना भी याद रखिए ये बड़े गुस्सैल भी होते हैं, इसलिए इनकी संस्कृति से कभी छेड़छाड़ मत करना। आप भी आपने देखा होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप में एक अमेरिकी व्यक्ति को मार दिया था इन्हीं जनजातियों ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस
विदेश में है। तो ये दोनों आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाड़ी किसका जन्म स्थान है? आप सभी को मालूम होने चाहिए कि आदि शंकराचार्य का। किसका? आदि शंकराचार्य का। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के एर्नाकुलम जिले के कलाड़ी जिले में हुआ था, तब यह चेर साम्राज्य का हिस्सा था। किसका? चेर साम्राज्य का। ये 700 AD की बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिखों के धार्मिक गुरु ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में से किस जिसके भजन पाए जाते हैं? किसके भजन पाए जाते हैं? तो जयदेव। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपके सामने, कुरान का पहला अध्याय क्या है? कुरान का पहला अध्याय क्या है? अल फतेह। अल फतेह। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत में प्रयोग की जाने वाली रेगुड़ बजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये देखेंगे आप लोग, दवा से संबंधित है। किससे? दवा से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्तीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ये असम का है। कहाँ का? असम का। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसके संस्थापक श्री मंत शंकर देव माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पेगोडा कहा है? निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पेगोडा कहा है? ये जानते हैं आप लोग, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोई मूर्तियों नामक चट्टान से बने मोनोलिथिक मानव अवशेष जिन्हें मध्यकालीन दुनिया के साथ भूले हुए चमत्कारों की तरह भी गिना जाता है, किस देश में स्थित है? यह आपको चिली में देखने को मिलेगा। जहां? चिली में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला, चप चार कूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? चप चार कूट किस प्रदेश में मनाते हैं आप लोग? मिजोरम में। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या राजस्थान में नहीं है? देखिए, निम्नलिखित में से क्या राजस्थान में नहीं है? करणी माता मंदिर ये आपको देखने को मिलेगा। एक लिंगी जी ये भी आपको देखने को मिलेगा। जूनागढ़ किला ये भी आपको देखने को मिलेगा। नरवर का किला ये आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। कहाँ? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में देखने को मिलेगा। यानी कि आपके ए बी सी ये तीनों आपके राजस्थान में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें पूछा है राजस्थान में नहीं है। तो नरवर का किला आपका राजस्थान में नहीं है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में। ठीक है, तो आप डी ऑप्शन लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सौर मंदिर किस प्रदेश में है? ये आपका तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, ये कथन किसने कहा था? कि अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, यह कथन किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद साहब ने। स्वामी विवेकानंद साहब ने। ठीक है,
याद रखिए। और इनके बारे में अगर कुछ और पॉइंट आपको बता दूं, तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में, और इनका डेथ हुई थी इनकी 4 जुलाई 1902 को। ठीक है, तो याद रखिए इनके गुरु का नाम था, आप सुनते हैं, रामकृष्ण परमहंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ब्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं मुझे लगता है कि साहित्य क्षेत्र में। और याद रखिए जिस व्यक्ति को दिया जाए जिस साल में, उन्हें भी याद रख लिया करेगा, क्योंकि उससे भी डायरेक्ट आपका पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन हमारे सामने? निम्नलिखित में से किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रतन भंडार में बदल दिया गया? निम्नलिखित में से किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रतन भंडार में बदल दिया गया? तो ये थे महाराजा रणजीत सिंह। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपको कराची में देखने को मिलेगा। कहाँ? कराची में। आप भी जानते हैं कि जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे हिंदू गए थे, लेकिन बाद में आपने देखा है कि उनका या तो धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है या उन्हें मार दिया गया है। अभी आप देखेंगे ना के बराबर हिंदू देखने को मिलेंगे वहां। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। कर्नाटक के प्रसंग में हल्ले गन्नड़ क्या है? तो ये आपको देखने को मिलेगा, एक भाषा है। क्या है? एक भाषा है, 5वीं सदी में आधुनिक कन्नड़ में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने। अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो आप देखेंगे पारसी का। किसका? पारसी धर्म का, पारसी लोग इसे मानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे से सामने। बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र महिला वादक है? बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र महिला वादक है? तो यह शहनाई। क्या है? शहनाई। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने। मथुरा की कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? मथुरा की कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? आप सभी को मालूम होना चाहिए कि लाल बलुआ पत्थर का। मथुरा का कला स्कूल कुषाण काल में विकसित किया गया था, कुषाण काल यानी कि कुषाण के शासकों द्वारा। इसमें देखेंगे आप लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग भी किया गया था। भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्रवर्ण किसका अवतार है? ये देखेंगे गणेश का, गणेश जी। आप देखते हैं गणेश जी रखे जाते हैं, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना आजाद भारत की पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी? तो सबसे पहले तो आप यही क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 1950 को। इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? ये आपको कर्नाटक का है। कहाँ का? कर्नाटक का, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। महाभारत का कौन सा अध्याय कौरवों और पांडवों के बीच शांति लाने के लिए निष्फल प्रयासों से संबंधित है? तो ये आपका उद्योग पर्व। क्या है? उद्योग पर्व। क्वेश्चन है हमारा। कल्लोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का नाम था? किसका? ये था बंगला। बंगला
सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंस ऑफ भांगड़ा किस गायक को कहा जाता है? सुखबीर को। किसे? सुखबीर है, पंजाबी गायक हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, विश्वकर्मा जयंती। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में क्या कबीर की रचना है? तो बीजक। कौन सी? बीजक। वैसे बीजक जिसके तीन भाग हैं, साखी, सबद, रमेनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन है हमारे, भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव स्तोत्र गाया था? तो आप जानते हैं, रावण ने शिव तांडव, आपने देखा होगा रावण ने किया था। रामायण देखने का आपका यही तो फायदा होता है कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और कुछ आपके क्वेश्चंस भी ऐसे रहते हैं जिन्हें आप सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। भगत सिंह मूवी देखिए, विवेकानंद मूवी देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिंदगी बदल देंगी आपकी, बस उन्हें आप फॉलो कीजिए। निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथक कली कहा था? तो ये था ओटाम थुल्लाल। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? आप सभी लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग? सी ऑप्शन। 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा चालुक्य मंदिर कला पूर्व में उगते सूरज का सामना करने के बजाय पश्चिम में सामना करने वाले चालुक्य निर्माण में मानक नियम का अपवाद है? ये देखेंगे आप लोग, सिद्धेश्वर मंदिर, हावेरी, कर्नाटक। इसमें क्या लगाएंगे आप लोग? ए ऑप्शन। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए और बड़े अच्छे से बैठ के पढ़ते रहिए। हरिश्चंद्र 1944 को प्रोड्यूस किसने किया? ए बी मियप्पन। ए ऑप्शन सही है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रंगनाथ स्वामी मंदिर। ए ऑप्शन सही है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, जबकि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो रंगनाथ स्वामी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन सही है। तो ये था आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लिए गए थे 19वें टेस्ट में। चलिए मिलते हैं हम लोग 20वें टेस्ट में, तब तक आप लोग एंजॉय करिए।